राजा राम मंदिर के बाहर मैं अभी एक सज्जन से मिला हूँ जो तुलसी की माला बना रहे हैं। ये देखिए, ये तुलसी की लकड़ी है और ये मशीन से बनी हुई माला है। और ये जो इन्होंने माला बनाई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हरदी की है माला जी, हरदी की माला है क्या? हरदी 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 की माला, हरदी की माला है जी ये। और ये 200 रुपए की माला है। ये किस चीज की माला है? हरदी हरदी हल्दी ना, हल्दी 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 की माला। ये किस काम आती है? लक्ष्मी का भजन होता है, है? लक्ष्मी जी का भजन होता है, इससे लक्ष्मी जी का भजन होता है। हल्दी तुलसी ये सारी मालाएं हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग भाई, क्या नाम है जी आपका? नाम सिंह है। मालाई वाले बाबा कह रहे नाम तो है राम सिया। राम सिया, राम सिया। और कौन से बाबा बोलते हैं आपको? माला वाले बाबा। माला वाले बाबा के नाम से फेमस हैं ये। और ये अपने हाथों से देखिए, कितने वर्ष हो गए आपको बनाते हुए? 12 वर्ष है। 12-14 वर्ष, 12 वर्ष हो गए। उससे पहले क्या करते थे? किसानी, किसानी करते थे। और अब यहाँ राजा राम मंदिर के बाहर आप तुलसी की ये माला बनाते हैं। पहले किसानी करी और इससे पहले किसानी करते थे। तो ये तुलसी कहाँ उगती है, कहाँ से लाते हैं? उखड़ जात, कोई काम नहीं जाती। हाँ, मरे के काम है, माला बना ली। तो अरे वाह, सर्दियों में सूख जाती है ना तुलसी। हाँ। तो आप उनकी डंडियों को ले आते हैं और यहाँ ये माला बनाते हैं जी। और इस माला को बनाने में एक दिन लग जाता है? नहीं, इसमें लगा एक दिन गरे की में। कितना? एक दिन लगा गरे वाली में। हाँ, 108 की में लगा जाए 1.5-2 दिन। 108 वाली माला में 2 दिन लगते हैं। और ये मशीन वाली तो दिन में कहीं बन जाती है। हाँ, मशीन वाली तो। और ये मात्र 20 रुपए की है मशीन वाली, जो हाथ से ये बनाते हैं हंडियों से। ये 50 रुपए की है, 100 की है, 200 की है। ये 50, 100, 200 की। ये किस चीज की है? तुलसी की है। ये भी तुलसी की है। सभी मालाएं ये तुलसी की हैं, भजन करने के काम आती हैं ये। और ये माला वाले बाबा को हमारी शुभकामनाएं। भजन भी साथ साथ करते होंगे आप? हाँ, सब करते हैं, क्यों नहीं करते। हाँ जी, भजन करते हैं। और आप जो हैं राजा राम मंदिर के प्रांगण में गेट से एंट्री करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भव्यता है। और आप यहाँ बैठकर बीच में यहाँ माला बना रहे हैं। मैं निर्मल रतनलाल वैद, इस तरह के अनोखे कारीगर जो ऐसे अच्छा काम करते हैं उनको मैं सबको दिखाता हूँ। आप जब भी यहाँ आए ओरछा में राजा राम मंदिर में, तो माला वाले बाबा से माला अवश्य लेके जाएं। मेरा आप सबसे निवेदन है। सबको जय सियाराम, जय सियाराम जी।